हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट में। दोस्तों, चीनी मोटरसाइकिल कंपनी सीएफ मोटर ने हाल ही में अपनी चार पावर बाइक के साथ भारतीय बाजार में डेब्यू किया है। कंपनी अब भारत में अपनी 300N के बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने की तैयारी में है। कुछ समय पहले ही कंपनी ने कंफर्म किया था कि वे इलेक्ट्रिक बाइक पर भी काम कर रही है, जिसे 2019 तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इसके पावर और फीचर को लेकर कंपनी ने कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन इतना जरूर बताया है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक सीएफ मोटो की एंट्री लेवल मोटरसाइकिल 300NK पर बेस्ड होगी, जिसे कुछ हद तक इसके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सकेगा। बाइक में पेट्रोल मोड की तुलना में कई सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें ऑल LED लाइटिंग और फुल कलर TFT कंसोल देखने को मिलेगा। चीनी कंपनी इसके बॉडी वर्क को, पार्ट्स को हल्का बनाने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके साथ ही इसमें लो रेजिस्टेंस टायर भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बाइक में इस्तेमाल होने वाली मोटर और बैटरी के बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। कंपनी ने हाल ही में अपनी चार नई बाइक लॉन्च की है, 300NK, 650NK, 650MT और 650GT के साथ भारतीय बाजार में डेब्यू किया है। इसमें एंट्री लेवल बाइक 300NK की एक्स शोरूम कीमत 2,29,000 रुपए है, तो फ्लैगशिप मोटरसाइकिल 650GT की कीमत 5,05,000 रुपए है। इंजन की बात करें तो इनमें 250cc से 650cc तक के पावर का इंजन मिलेगा। बाइक्स भारत में CKD यूनिट के तौर पर आएगी। इनमें सबसे सस्ती बाइक 300NK होगी, जिसमें 250cc का इंजन मिल सकता है। इस बाइक के फीचर की बात करें, 300NK में TFT LCD डिस्प्ले स्क्रीन, अलॉय व्हील, स्प्लिस सीट्स और LED हेडलैम्प जैसे फीचर मिलेंगे। इसके इंजन का पावर 3.4 HP और वही अन्य सभी तीनों बाइक्स में 650cc का इंजन मिलेगा। ऐसे इंजन वाली बाइक्स की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी।